भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में 5 नए समितियों की गठित की गई। आरोग्य विभाग, क्रीड़ा समिति, महिला बाल कल्याण, शिक्षण समिति, पानकाम विभाग, गलित वस्ती सुधार। ऐसे में हम आपको ले चलते हैं भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपने झंडे को फिर से फहराया। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। ऐसे में आरोग्य के सभापति के रूप में मुख्तार खान, उपसभापति के रूप में साइली गजानन सेठे, क्रीड़ा समिति के सभापति के रूप में नाजिमा हदीस अंसारी, उपसभापति के रूप में ध्यानश्री रामा पाटिल, महिला बाल कल्याण समिति के सभापति के रूप में सबनम महबूब अंसारी, उपसभापति के रूप में राजिया नसीर खान, वहीं पर शिक्षण समिति के सभापति के रूप में शकील अंसारी उर्फ पापा, उपसभापति के रूप में वसीम अंसारी, वहीं पर गलित वस्ती सुधार समिति के अंदर अशोक भोसले, उपसभापति के रूप में साजिद अंसारी। साथ ही साथ बांधकाम विभाग में हम आपको बता दें कि सभापति के रूप में तला मोमिन को चुना गया। ऐसे में आप देख सकते हैं कि एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर अपनी खुशी जाहिर किए। खास बात यह रही कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद शहर का विकास तो काफ़ी रुका हुआ था। ऐसे में कांग्रेस पार्टी 47 सीटों पर विजयी हासिल की थी नगर सेवकों के चुनाव में। फिर से संतृप्त नगर सेवकों का चुनाव हुआ, उसमें भी 3 यानी कि 50। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में कांग्रेस सत्ता में रहने के बावजूद भी शहर के काफ़ी विकास के काम रुके हुए। अब देखना ये है कि ये 5 नए जो समिति गठित की गई है, इसमें जो कामें बांटी गई है, क्या आप शहर का विकास होएगा, एक सवाल सा निशान बन चुका है। ऐसे में हमारे चैनल से जुड़े सभी को मुबारकबाद देते हुए भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के प्रथम नागरिक महापौर जावेद दलवी, भिवंडी शहर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष सोहेब बुद्धू ने क्या कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट को। तालमेल हमारे काफ़ी, कोई भी पार्टी के नगर सेवक रहे, भाजपा के रहे, सेना के रहे, चाहे कांग्रेस के रहे, चाहे गुना के आधारी के रहे, तमाम लोग आप देख रहे होंगे हाउस में कि अगर कोई अच्छा विषय आया तो उसको तमाम लोग विरोध नहीं करते। हाँ, कुछ लोग हैं विरोध करने वाले और वो सब पार्टी के लोग जानते कौन है कौन नहीं है, मगर सब लोग मिल के एक अच्छी सोच रख के और इस शहर के विकास के लिए काम करने की कोशिश है। जैसा कि नगर परिषद जब हमारी थी नगर पालिका 2002 में महानगर पालिका बनी, जब से ये जितने कमेटियाँ थे एक टाइम गठित हुए थे मगर उस कमेटी को इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये पहली बार बाकायदा तौर पे इम्प्लीमेंट होने जा रहा है और ये महापौर का जो काम बांटने का काम है, ये हर सेक्शन में बांधकाम में अपना एक सभापति बैठेगा, बांधकाम का काम देखेगा, आरोग्य में एक सभापति बैठेगा, आरोग्य का काम देखेगा, शिक्षण में एक सभापति बैठेगा, शिक्षण का काम देखेंगे, हर डिपार्टमेंट में एक सभापति, एक उप सभापति रहेगा और वो हमारा जो काम है बढ़ जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक काम हमारा करने की और पहुँचाने की कोशिश पूरे सभापति उप सभापति के माध्यम से होगा। सभापतियों के चुनाव में तो तालमेल दिखा, लेकिन शहर के विकास में तालमेल नहीं मिल पा रहा, जिससे विकास रुका हुआ है। बिल्कुल, बारिश के बाद आपको पूरा तालमेल रोड पर नजर आएंगे। थैंक यू। में महिला बाल कल्याण का हमने सबनम महबूब अंसारी को ये पोस्ट दी है, जो खासतौर से जो हमारे महबूब अंसारी हैं, जो हमेशा वो वार्डों के अंदर आप देखते होंगे जिस तरीके से काम करते हैं, महिलाओं को सहयोग करते हैं, महिलाओं के जो भी मसले मसाइल रहेगी इस तरह सबनम हमेशा एक्टिव रही हैं और वो काम अपने अच्छे अंदाजों में करेंगी। और उसके बाद हमारे क्रीड़ा समिति जो स्पोर्ट्स के अंदर अक्सर चढ़ का हिस्सा लेने वाले इरफान वायरमैन जो हमेशा आगे आगे रहते हैं और एक नौजवान युवा है, तो उन्हीं को हम लोगों ने रिपीट किया कि भाई आप स्पोर्ट्स के मामले में हमेशा आगे रहते हैं और ख़ासकर जहां नौजवान बच्चों को सीजन के खेलने की बहुत सख्त ज़रूरत है, तो उसके अंदर इरफान भाई को हमने खासतौर पार्टी की तरफ से पैगाम दिया है कि भाई आप सीजन को ज़्यादा बढ़ावा देवे, जो भी तो स्टेडियम आपके पास है, चैलेंज ग्राउंड काफ़ी ग्राउंड है यहाँ पे, इसका सही ढंग से उपयोग होना चाहिए। उसके हिसाब स्टेडियम का जो साफ़ सफाई है स्टेडियम जिस तरीके से खराब हुआ सब सही होना चाहिए, बच्चों को सब खेलने कूदने की सुविधा मिलना चाहिए। और एक सबसे बड़ी समिति जो खासकर भिवंडी शहर महानगर पालिका के स्कूलें हैं, इसके लिए शिक्षण समिति बनाई गई है और इसके अंदर खासकर मैं हमेशा लड़ाई लड़ा रहा हूँ कि महानगर पालिका के स्कूलों को बच्चे जो रहते हैं पढ़ाई करने वाले
वो खासकर हमारे मजदूर भाइयों के बच्चे रहते हैं, कोई बच्चे बेचारे यतीम रहते हैं, उनको तालीम अच्छी से अच्छी मिलना चाहिए। क्योंकि प्राइवेट स्कूल के जिनके बच्चे आते हैं वो तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हर गरीब माँ बाप कोई भी हो, चाहे गरीब के हो चाहे अमीर के हो, लेकिन हर माँ बाप चाहता है कि उनके बच्चे पढ़ लिख के अच्छे नेक इंसान नेक औलाद बने। तो मैं चाहूँगा महानगर पालिका स्कूल के तालुक शिक्षण का मामला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला है, उसको बहुत ही मैं समझता हूँ कि इसके लिए खास ध्यान पड़ेगा। और शकील पापा जिनको जिनको हमने चेयरमैन बनाया है और वसीम अंसारी को जो उप चेयरमैन बनाया है, दोनों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि सब लोग मिल के काम करें। और आज जितने लोग भी चुन के आए हैं मैं पूरे भिवंडी शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस शहर के लिए आप अच्छे से अच्छा काम करेंगे और जो लोगों की उम्मीदें हैं वो उम्मीद से ज़्यादा खड़े उतरेंगे और काम करेंगे, पार्टी का भी नाम रोशन होगा, ताकि आने वाले वक्त में 2019 के इलेक्शन में MLA MP के इलेक्शन में उसका फ़ायदा मिलेगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और जितने भी इनके साथ जो चारों समिति चेयरमैन आज चुन के आए हैं और प्रभाग चेयरमैन के साथ सब चुन के उनके साथियों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, पूरे भिवंडी शहर वासियों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग की दुआओं से आज कांग्रेस पार्टी के लोग चुन के आए, इसी तरीके से आगे भी हम लोग मिलजुल के इस शहर के विकास के लिए काम करेंगे। साथ में महिला बाल कल्याण का हमने शबनम महबूब अंसारी को ये पोस्ट दी है, जो खासकर जो हमारे महबूब अंसारी हैं जो हमेशा वो वार्डों के अंदर आप देखते होंगे जिस तरीके से काम करते हैं, महिलाओं को सहयोग करते हैं, महिलाओं के जो भी मसले मसाए रहेंगी इसका शबनम हमेशा एक्टिव रही हैं और वो काम अपने अच्छे अंदाजों में करेंगी। और उसके बाद हमारे क्रीड़ा कर्म समिति जो स्पोर्ट्स के अंदर अक्सर चार तरह का हिस्सा लेने वाले इरफान वायरमैन जो हमेशा आगे आगे रहते हैं और एक नौजवान युवा है, तो उन्हीं को हम लोगों ने रिपीट किया कि भाई आप स्पोर्ट्स के मामले में हमेशा आगे रहते हैं और ख़ासकर जहाँ नौजवान बच्चों को सीज़न के खेलने की बहुत सख्त ज़रूरत है, तो उसके अंदर इरफान भाई को हमने खासकर पार्टी की तरफ से पैगाम दिया है कि भाई आप सीज़न को ज़्यादा बढ़ावा देवे, जो भी तो स्टेडियम आपके पास है, चैलेंज ग्राउंड काफ़ी ग्राउंड है यहाँ पे, इसका सही ढंग से उपयोग होना चाहिए, उसकी स्टेडियम का जो साफ़ सफाई है स्टेडियम जिस तरीके से खराब हुआ सब सही होना चाहिए और बच्चों को सब खेलने कूदने की सुविधा मिलना चाहिए। और एक सबसे बड़ी समिति जो खासकर भिवंडी शहर महानगर पालिका के स्कूल हैं इसके लिए शिक्षण समिति बनाई गई है और इसके अंदर खासकर मैं हमेशा लड़ाई लड़ा रहा हूँ कि महानगर पालिका के स्कूलों को बच्चे जो रहते हैं पढ़ाई करने वाले वो खासकर हमारे मजदूर भाइयों के बच्चे रहते हैं, कोई बच्चे बेचारे यतीम रहते हैं, उनको तालीम अच्छी से अच्छी मिलना चाहिए। क्योंकि प्राइवेट स्कूल के जिनके बच्चे आते हैं वो तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हर गरीब माँ बाप कोई भी हो चाहे गरीब के हो चाहे अमीर के हो, लेकिन हर माँ बाप चाहता है कि उनके बच्चे पढ़ लिख के अच्छे नेक इंसान नेक औलाद बने। तो मैं चाहूँगा महानगर पालिका स्कूल के तालुक शिक्षण का मामला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला है, उसको बहुत ही मैं समझता हूँ कि इसके लिए खास ध्यान पड़ेगा। और शकील पापा जिनको हमने चेयरमैन बनाया है और वसीम अंसारी को जो उप चेयरमैन बनाया है, दोनों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि सब लोग मिल के काम करें। और आज जितने लोग भी चुन के आए हैं मैं पूरे भिवंडी शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस शहर के लिए आप अच्छे से अच्छा काम करेंगे और जो लोगों की उम्मीदें हैं वो उम्मीद से ज़्यादा खड़े उतरेंगे और काम करेंगे, पार्टी का भी नाम रोशन होगा, ताकि आने वाले वक्त में 2019 के इलेक्शन में MLA MP के इलेक्शन में उसका फ़ायदा मिलेगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और जितने भी इनके साथ जो चारों समिति चेयरमैन आज चुन के आए हैं और प्रभाग चेयरमैन के साथ सब चुन के उनके साथियों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, पूरे भिवंडी शहर वासियों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग की दुआओं से आज कांग्रेस पार्टी के लोग चुन के आए, इसी तरीके से आगे भी हम लोग मिलजुल के इस शहर के विकास के लिए काम करेंगे। मित्र सभापति बने मैं उनको तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूँ, आने वाले समय में भिवंडी के विकास में उनका बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा ऐसी अपेक्षा उनसे करता हूँ। और आदरणीय जावेद भाई के नेतृत्व में सभी सभापति सभी नगर सेवक आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।